तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय। दूध खत्म हो गया था, मैं दूध लेके आई। हम ये वाला दूध यूज करते हैं, और मेरा दूध रास्ते में गिर गया था। अच्छा वो फूटा नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। और दूध के साथ हम खाएंगे सैंडविच। एक ही सैंडविच मिला इसको, हम मेलिनोर में है, इसको हाफ ऑफ करके जाएंगे। हाफ ऑफ करके खाएंगे। मैंने शेयरिंग इज केयरिंग। केयरिंग। और मेरे लिए क्या आया है? आपके लिए, आपके लिए बोर्न आया बीटा। है बॉर्नविटा। एक्चुअली मैं इसको पीडियाश्योर पिलाती थी, तो इसने भी, इसको दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने इसको बीच में दूध मैंने छुड़वा दिया था। और बीच में पता नहीं अब इसको क्या जोश चढ़ा है तुझे इसको, कि मामा मुझे बॉर्नविटा। और बॉर्नविटा गाइस ये दूध के साथ पीने के लिए नहीं बोल रही है, ये बोल रहा मामा मैं इसको ऐसे खाली खाऊंगा। मैं कहा नहीं, दूध के साथ पीना है तो बता, वरना मैं लेके आऊंगा, अदरवाइज नहीं लेके आऊंगी। कह रहा दूध के साथ पीऊंगा, तो मैं लेके तो आ गई हूँ। अगर मैंने बेल में तुझे मैंने अलग से ऐसे खाते हुए देखा ना, फिर बताऊंगी। देखो बहुत ज्यादा शुगर होता है इसमें। है स्टडी टाइम मेलविन का। स्टडी के साथ हमने पीछे थोड़ा ब्रेक लिया है, क्योंकि इसके एग्जाम से अगले महीने से सो प्रिपरेशन चल रही है। सैंडविच खा रहा है अभी ब्रेक में। ढंग से बैठो, मैंने गिर जाओगे आप। ये रहा ब्लू नो, और ये रही मेरी चाय। हमने एक सैंडविच को आधा आधा किया है। ब्लू कैसे बने? अच्छा अच्छा है। ना आपने बोला था कि सैंडविच आप मेरे के साथ खाओगे, लेकिन चाय क्यों ना? मम्मा को चाय चाहिए ना बेने। तो गाइस अभी रात तो हो चुकी है, बट मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं ये डस्टिंग में कर लूँ आज, क्योंकि जो मैंने रखा हुआ है इनमें ना ये डस्ट जम जाते हैं। अभी मैंने क्लीन किया, देखो ये वाला मैंने क्लीन नहीं किया, ये देखो कैसे डस्ट जम जाते हैं। हमारा जो रूम है चारों तरफ से बंद है, आप देख सकते हो वहाँ पे भी दरवाजा है, बट हमने इसको लॉक किया है। वहाँ पे दूसरी तरफ बालकनी है, बट उसको हमने इसलिए लॉक किया क्योंकि हमें स्पेस नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे भी ग्लास का मिरर है बड़ा सा, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट का। ये देखो ऐसे ग्लास का पूरा मिरर लगा हुआ है, तो फिर भी डस्ट डस्ट देखो कैसे आ जाता है गाइस। ये तो मैंने साफ कर दिया, ये वाला देखो आप, ये वाला जो मैं सोच रही थी आज इनको मैं थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ अभी। इसके ऊपर भी देखो, ये वाईफाई के ऊपर भी हो रखा है, तो इनको मैं डेली डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मेरे को, मैं हफ्ते में मैं एक दो बार कर देती हूँ, बट एक दो बार नहीं भी, डेली तो मैं नहीं कर पाती, एक दो बार के गैप में ही मैं डस्टिंग कर पाती हूँ। बाकी मैं फ्लोरिंग वगैरह तो मैं डेली करती हूँ, तो मैं सोचा चलो आज मैं इन सबको मैं निपटा देती हूँ। मैं थोड़ा सा तो गाइस अगर डस्टिंग हम नहीं करते हैं हफ्ते में एक दो बार भी ना, तो पूरा मैल जम जाता है। तो मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ। ये देखो पूरा पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाते हैं। मैं मतलब चारों तरफ से हमारे रूम बंद है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ, बाप रे अभी गिरता मेरा। ये जो गाइस ये जो ये है ना, ये कैंडल ही है। मुझे कैंडलों का इतना शौक नहीं है, बट जब हम ये फिट कर रहे थे ना, ये वाला इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो हमने कहा यहाँ पे कुछ लगाने के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो घर में कैंडल पड़ा था, तो हस्बैंड ने सोचा कि चलो यही लगा लेते हैं करके। हमने फिर कुछ खरीदने के बजाय हमने कहा चलो पैसे भी सेफ हो जाएंगे और हमारा कैंडल भी लग जाएगा, तो हमने कैंडल यहाँ पे हमने कैंडल लगा दी। हमने अभी मैं इनको मैं चेंज करूँगी धीरे धीरे, और मैं आपको बताऊंगी, आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये यहाँ पे पहले हमारा टीवी यूनिट हुआ करता था इस एरिया में, इस वाले एरिया में। तो ये थोर एंड ब्लू है हमारे दोनों बेटे, इन्होंने क्या किया, लोग जंप कर दे तो टीवी पलट के गिर गया और टीवी हमारा टूट गया था। तो हमने इस, हमें यहाँ के लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो उस टाइम मेरे बेटे के बेड का काम चल रहा था, तो उस टाइम हमने फिर ये एक्स्ट्रा लकड़ी उसी का है, तो हमने इसको कारपेंटर से कटवा के तो हमने यहाँ पे लगवा दिया, और हमने इसी का सेल्फ टाइप का बना दिया है, ये उसी का ही है। तो इन्होंने टीवी थोड़े बाद यहाँ से टीवी यूनिट हटा दिया मैंने, तो ये खाली था, तो ये टेबल यहाँ हुआ करता था,
ये सोफा पहले ऐसे लगे हुए थे, अब टीवी हमारा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है तो वो हमारे इस वाले दीवार में इधर से लेके यहाँ तक ना, हमें सोचा था हम यहाँ फिट कर देंगे इन सबको निकाल के, बट यहाँ पे भी उसका मेजरमेंट कम हो रहा था तो टीवी वाले ने बोला सर यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो हमने वहां लगा दिया। तो गाइस अभी जस्ट मैंने हम लोगों ने खाना फिनिश किया है, हस्बैंड तो ऑफिस गए हैं, वो उनको वहीं पे मिलेगा, वहीं से खाते हैं वो रात को। एंड हमारा जस्ट अभी मैंने फिनिश किया है, बेटे ने भी खा लिया, अभी वो सोने जाएगा क्योंकि कल उसका स्कूल है। पता नहीं आजकल मुझे रात को नींद बिल्कुल नहीं आती है, मैं बहुत सोने की कोशिश करती हूँ, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती गाइस, पता नहीं क्या मतलब, मुझे ऐसे नरते दवाई लगी सुबह आएगी ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ मुझे दवाई की ज़रूरत है शायद नींद के लिए। एक तो रात को बर्तन जो धोते हैं ना, रात को जो बर्तन होता है, मुझे रात के बर्तन धोने में बहुत आलस आता है, खाना खाने के बाद तो मुझसे धोया नहीं जाता है तो, बट फिर भी धो के रखना पड़ता है। कौन सा वाले सोफा? अभी तक नहीं सोया, देखो ये गाइस, अरे इसको बने, इसको इसको इधर की तरह ऐसे धक्का दो, इसको इसको, हाँ अब इधर आके सो रहे हो, जल्दी जाओ जल्दी सो जाओ, मैंने कल सुबह उठना है ठीक है, आपको नहीं उठोगे तो फिर ये वाला लो आप, बिगिन फिर मैं दूसरा कंबल लेके आ रहा हूँ। नहीं 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 ये वाला, क्योंकि कंबल नीचे गिरता है मैंने, बहुत पतला है यार। चलो आप वो और के सो रहे, मैं अभी काम करूँ फिर आके उड़ाती हूँ, नीचे आप करोगे ना फिर थोड़ा ब्लू आके खराब करते मैंने वो। उनके लिए एक अलग सा लगा दो। क्या हो गया तू मेरे को ऐसा क्यों देख रहा है ब्लू, क्या हो गया शोना, थोर का है ब्लू, भाभी थोर का है बेटा, देखो गुस्सा हो गया, चलो सो जाओ। गुड नाइट तो बोल दो बेने अपने व्यूअर्स को, हाँ गाइस बोल दो, व्यूअर्स नहीं गाइस बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट, और शुभ केयर नहीं, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो, बोलो मम्मा का चैनल को, किस किसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, सेवन सिस्टर्स। ब्लू को भी गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बापी, सो जाओ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। गाइस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मेरा चैनल का नाम है गुरु डांसर फॉर गेमिंग स्लैश गेमिंग, चलो बाय बाय। कहाँ जा रहा है मैंने अभी, जल्दी जाओ तक और आके सो। आई नो आई नो, सुबह उठोगे नहीं ना फिर देखना, मैं मार मार के उठाऊंगी फिर। अरे मम्मा क्या हो गया, ऐसे शक्ल क्यों बना रहे हो, जल्दी सो। ऐसे मत करो बेने, देखो वहां से पूरा वो दिख रहा है, आर पार दिख रहा है, जल्दी सो जाओ। आपको आपकी गाइस को वो दिखना है, शक्ल देखना है ना, इसलिए सीसा कुछ। गुड नाइट, सो जाओ आप, गुड नाइट, गुड नाइट। ब्लू थोर का है, थोर का है, थोर का है, कहाँ है थोर बेने, थोर का है अच्छा, चलो आप सो जाओ भाई। तो गाइस मेरा बेटा तो सो चुका है, मैंने इसको सुला दिया है और मैं जस्ट अभी अपना कुछ काम खत्म करके मैं उठी हूँ, तो मैं भी जाऊंगी सोने के लिए, हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही है बट मुझे कैसे भी अपनी नींद पूरी करनी होगी क्योंकि मुझे सुबह उठना है, लंच बनाना है, तो मेरे को नई नींद भी नहीं आएगी तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा। एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरी थोड़ी हेल्थ की इशू है, मैं आपके साथ कभी अपने आने वाले व्लॉग्स में मैं बताऊँगी उसके बारे में। और थोर ब्लू तो यहाँ, थोर तो यहाँ सो रहा है, ये देखो अभी भी ठंड है दिल्ली में बट फिर भी इसको यहाँ पे ठंड गर्मी वो ठंड को वो गर ठंडी को मतलब गर्मी को ढूंढ रहा है ये यहाँ पे। और मैं कुछ देख रही थी, कुछ मैसेज आया हुआ था तो मैं देख रही थी, हस्बैंड का मैसेज आ गया था
वो मुझे उन्होंने मैसेज वो मेरे को मैसेज कर रहे थे कि शायद उनका फेसबुक प्रोफाइल हैक हो गया, तो इसलिए मैंने वीडियो को बीच में कट करके मैंने उनको कॉल किया। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ सामान गिर गया मेरा, सारा सामान गिर गया। तो मैं वही पूछ रही थी, पता नहीं आजकल लोग ऐसा क्यों करते, दूसरे की प्रोफाइल हैक करके, पता नहीं लोग आजकल ये सब पता नहीं क्यों करते, समझ में नहीं आता। आज पता नहीं दुनिया, आजकल की दुनिया इतनी ही बेकार हो गई है ना। शायद मैं तो ये कहूँगी कि जो 18वीं सदी में 17वीं सदी बोलते हैं, उस टाइम वो काफ़ी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मिजोरम में मेरी मम्मी बोलती है अभी भी कि उनके टाइम में तो वहाँ पे कुंडियाँ नहीं होती थी, मतलब जैसे यहाँ पे लॉक वगैरह होते ना, हमारे मिजोरम में ऐसे नहीं होते थे। एक दरवाजे के बाहर एक डंडा, अगर कोई नहीं तो घर में दरवाजे को ऐसे बंद करके और एक डंडा वहाँ खड़ा करते थे, इट मीन्स घर में कोई नहीं तो कोई जाता भी नहीं था। तो मम्मी यही बोलते हैं आजकल का टाइम बहुत ख़राब हो गया, लोग तो ताला तोड़ तोड़ के दूसरे घर में घुस जाते हैं। तो फेसबुक क्या चीज़ है, तो फेसबुक क्या चीज़ है, फेसबुक में तो लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, आजकल इतने सारे हैकर्स घूम रहे हैं ऑनलाइन वगैरह। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं भी इसको रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे करना है, कुछ आईडी वाईडी मांग रहे थे वो। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ ब्लैक टी और गुड़, जैगरी, गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं ना। हाँ एक्चुअली मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो जैगरी बोलते हैं ना उसको। हाँ तो जैगरी मैं गर्म पानी के साथ लूँगी, या अच्छा होता है बोलो, डाइजेशन में हेल्प करता है ये, थोड़ा सा हल्का सा इसमें चाय पत्ती डाल के। तो गाइस जो मैं अभी टी पी रही हूँ वो है रोशी, शायद ये रोशी ही है, हाँ रोशी, ये डाइजेस्टिव डिलाइट टी है, और ये जिंजर एंड हिबिस्कस है। हिबिस्कस जो फूल होता है हिबिस्कस, वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, स्पेशली फॉर बीपी पेशेंट। मैं बीपी की पेशेंट नहीं हूँ ना, शुगर की पेशेंट हूँ, गुड टच ना कभी आने वाले दिनों में होना चाहती हूँ। तो हिबिस्कस क्या है, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं वो चीज़ें लूँ जो मेरे को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करे, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो ये है हिबिस्कस, ये रहा, ये है हिबिस्कस जो रेड वाला है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिबिस्कस को हम कुल्हड़, पता नहीं कुछ नाम होता है हिंदी में उसको, मैं भूल गई। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना, इसे हिंदी में गुलहड़ का फूल बोलते हैं, गुलहड़ मे भी, मैं श्योर नहीं हूँ। ये है हिबिस्कस, इसको बोलते हैं हिबिस्कस, आपको ध्यान से देखना होगा। देखो मैं दिखाती हूँ, ये जिस इसे हिबिस्कस, तो ये बहुत अच्छा होता है। जिनको जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो अबाव 40 एज या 50 एज के हैं, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग हिबिस्कस का टी पीना। अब जरूरी नहीं है आप वैसे टी बैग लो उसका, क्योंकि इससे बेटर है जो आपके गार्डन वगैरह में बहुत ही मिलते हैं, इस बंगाल साइड में मैंने बहुत देखे हैं ये पेड़, वैसे दिल्ली में भी बहुत है, गुलहड़ बोलते हैं शायद हिबिस्कस को, मैं आपको फोटो में दिखा दिया है। तो जो लोग अबाव 40-50 एज के हैं वो इसकी टी पी सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये, बेटर है। आप इसका जो फूल है, फ्लावर होता है, उसकी जो पेटल होते हैं उसको आप तोड़ के धूप में सुखा दो, गर्म मई जून के गर्मी तो बहुत अच्छे तरह से ड्राई हो जाते हैं, आजकल तो फिर थोड़ा सा ठंडा है तो नरमी रह जाती है तो जल्दी खराब हो जाता है। तो अब उसको ड्राई सन में ड्राई करना, एंड जब वो ड्राई हो जाएगा गर्म पानी में उसको डाल के उसकी टी पीना, वो बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग अबाउट 40-50 एज के हैं वो लोग इस टी को ट्राई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना किस किस ने ये चाय, मतलब ये हिबिस्कस वाला टी ट्राई किया है। वैसे सबके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी बीपी पेशेंट्स के लिए। तो मैं ले रही हूँ उस वक्त ये रहा चाय, तो मैंने निकाल दी, ये रहा गुड़ जैगरी, दिस इज कॉल्ड जैगरी, इसको हम जैगरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो सबको ही पता होगा। तो ये मैंने मार्केट से नहीं खरीदा है, ये मैं जब मैं मणिपुर गई थी तो वहां पे मैं किसी काम के लिए गई थी, तो वहां पे ये मेरी जो मम्मी की जो फ्रेंड है उनकी शुगर फैक्ट्री है, शुगर कैन की फैक्ट्री है, तो वहां पे लोग
उसको शुगर कैन का जूस निकाल के फिर उसको मेल्ट करके बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे दिया था कि गिफ्ट के लिए ये मेरी तरफ से आप लेके जाओ, तो मैं वहीं से लेके आई हूँ। ये ब्लैक है, आप लोग याद रखना जो असली गुड़ होता है, आपने देखा होगा मार्केट में गुड़ आते हैं जो थोड़े एकदम लाल जैसे होते हैं, थोड़ा सा मतलब शाइन करेंगे एकदम, मैं कैसे बताऊँ, थोड़ा ऐसे कलर के होंगे एकदम लाल सा, वो अच्छा नहीं होता है वो, उसमें वो लोग सोडा डाल के उबालते हैं उसको। और जो ये ब्लैक वाले गुड़ होते हैं जो एकदम काले होते हैं, ये होते हैं शुद्ध गुड़, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, इनका जो नेचुरली कलर ये है, ये देखो लाल नहीं। मैं आप लोगों को कभी मार्केट से लेके आ गया, मैं गुड़ दिखाऊंगी आप लोगों को, ये है असली गुड़, इसका टेस्ट ही बहुत अलग है, ये मेरी आंखों के सामने बनाए थे उन्होंने, जब गरम गरम उन्होंने निकाल के मुझे दिया था। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा आज का, और प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, सेवन सिस्टर को, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। एंड चलो मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले नए व्लॉग के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।